अपोजिशन इत्तेहाद से अहम खबर आपको दें। इस्लामाबाद में जारी पीडीएम के इजलास में हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया गया। इंतखाबात तरमीमी बिल पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। मजीद जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, तो क्या हिकमत अमली होगी अब अपोजिशन की? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में जारी है और अब से कुछ देर बाद ये बराबर तौर पर खत्म हो जाएगा। जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक पीडीएम ने इंतखाबात तरमीमी बिल पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है और पीडीएम इंतखाबात से मुतलिक तरमीमी बिल पर सख्त मौकफ इख्तियार करेगी और साथ ही साथ जो इलेक्शन वोटिंग मशीन है उससे मुतलिक भी पीडीएम ने सख्त मौकफ इख्तियार करने का फैसला किया है और इसको गैर जरूरी करार दिया है इंतखाबात में इस्तेमाल को। और पीडीएम ने पीटीआई हुकूमत के हर तरह के एक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स को भी मुस्तरद कर दिया और उनका यह कहना है कि अपोजिशन की मशावरत से जो रिफॉर्म्स की जाएंगी उसको कबूल किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो रिफॉर्म्स ड्राफ्ट जो तैयार किया गया इस्लाहात का वो हुकूमत की जानेब से तैयार किया गया, जिसको पीडीएम और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो तस्लीम नहीं करती हैं।